जय श्री माता जी। मैं ग्वालियर से ऋतु यादव, अभी डेढ़ घंटा पहले मैं जब यहाँ से निकल रही थी तो सोच रही थी कितने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं यहाँ, कितने सारे लोगों के बीच में, माँ मुझे कब मौका मिलेगा। और माँ ने सुन लिया। अभी जब अनाउंस हुआ था कि आप आके बोलिए अपनी बात, तो मुझे, मैंने माँ को मन ही मन धन्यवाद दिया कि थैंक यू माँ, आपने मेरी बात सुनी। शुरू में जब सहयोग में नए आए थे तो कुछ समझ में नहीं आता है और ये लग रहा था कि क्या करें क्या ना करें, झूल रहे थे पेंडुलम की तरह। बस माँ से शुद्ध दीक्षा रखी कि माँ अपनी छत्र छाया में जैसे आप लाई हैं वैसे हमेशा बनाए रखना। और बहुत सुंदर परिवार है, सारा परिवार हमारा जुड़ गया है सहज योग से, बच्चे, पति। और भैया का एक प्रोग्राम सुना था पिछले मई में शिवपुरी में, तो इन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी अपने स्मोकिंग छोड़ने की। उसी समय माँ से शुभ दीक्षा रखी कि माँ मेरे मिस्टर बहुत गुटखा खाते हैं और मुझे हमेशा ये ख्याल, उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं कि कहीं गले का कैंसर ना हो जाए, माँ प्लीज़ कुछ करिए। सहज में वो आ चुके हैं, उनकी ये बुरी लत है वो आप ही छुड़ा सकती हैं, क्योंकि मुझे लगभग 13 साल हो गए कहते कहते वो नहीं छोड़ रहे थे। अभी पिछले 1 फरवरी को उन्होंने गुटखा बिल्कुल त्याग दिया। माँ का एक लेक्चर सुना उससे पहले, 31 मार्च को विशुद्धि के ऊपर एक लेक्चर सुना। मैं माँ के लेक्चर बहुत सुनती हूँ और ऐसे टाइम पर सुनती हूँ जब ये भी साथ में रहते हैं, तो हम दोनों के दिमाग में जाती हैं वो सारी चीज़ें। 31 जनवरी को जैसे ही वो लेक्चर सुना, 1 फरवरी को इन्होंने गुटखा छोड़ दिया। माँ को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया, माँ धन्यवाद, आपने इतना अच्छा परिवार दिया, सहयोग परिवार दिया, इतने अच्छे भाई बहन दिए और ये अब कभी हमसे छूटे नहीं। दूसरी, अभी उत्तरांचल सबको मौका मिले, एक और प्लीज। पता, देखिए अभी अंकल ने बोला गाने वाले लोग कुछ बोलते नहीं है, पर हमारी इच्छा रहती है कि सभी को थोड़ा थोड़ा मौका सबको मिले। एक एक सुनाएंगे ना तो ज्यादा लोग बता पाएंगे, अगर अपने सुनाएंगे। जब तक आप देखिए 13 साल आपने मेहनत की, 13 से पहले आपने बोला मेरे पति मेरे पति, 13 में आके बोला 13, पहले 13 बोल देते ना तो उनका हो जाता, तो पहले छूट जाता, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। पहले बहुत कुगुरुओं के चक्कर में थे, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। माँ मिली, जब से बहुत कुछ मिल गया। और अभी जब एक भैया का सुना कि हमें सहयोग के लिए दान करना चाहिए, उत्तरांचल आने से पहले बहुत सारी खरीदारी की, शॉपिंग की अपनी, बच्चों की, लेकिन आज यहाँ से ये प्रण करके जा रहे हैं कि जितना है उतने में ही खुश रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कपड़ों का और सारा पैसा बचा के हम सहयोग के जो आगे बन रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए सहयोग करेंगे। जय श्री माता जी। चलिए दीदी की बात से एक बात और जोड़ दूं। देखिए हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कैसे करें क्या करें। मुखीराम जी जब आए थे एक बात बोली थी कि बहुत सहयोग स्प्रेड हो गया, बहुत सहयोग बिल्कुल हो रहा है, नो डाउट। अगर हम सभी लोग खुद को एनालिसिस कर लें, खुद की स्टडी कर लें, देखिए आज हर घर में 4 लोग 5 लोग 6 लोग हैं, तो आप ये सोच के चले मेरे घर में जितने लोग हैं, अगर मेरा 10 लोग का परिवार है तो हम सभी भाई बहन, 10 लोगों का मतलब 1,000 रुपया, हम 1,000 रुपया अपने प्रोजेक्ट को डोनेट करते हैं। आप ताजुब करोगे, 3 महीने में हमारे पूरे हिंदुस्तान की कलेक्टिविटी एक प्रोजेक्ट को नक्की कर सकती है। पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 100 रुपये से, पर अपने एनालिसिस करके। और एक प्रोजेक्ट पकड़ लो ना, पहले एक को पूरा कर दो, फिर दूसरे का नंबर, तीसरे कैसे करते करते पूरा, ये सालों में जो है जल्दी पूरा हो जाएगा। तो सब लोग सोच के चले कि मेरे को इसका अंश बनना है, ये हमारे लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए। तो जोरदार ताली दीदी के लिए बजा दीजिए, इतने ऐसे भाव आ रहे हैं सबके लिए, ऐसे आ रहे हैं तो दादा आ रहे हैं। और सबसे गुजारिश है एक एक वो सुनाएं, अगली बार भी सेमिनार होगा ना, हर दूसरी जगह पे फिर दूसरा सुनने को मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल सर, एक एक सुनाएं, आइए।